खेलो इंडिया यूथ गेम्स पंचकुला में कांस्य पदक प्राप्त कर आगरा लौटी अंजलि चाहर। हरियाणा के पंचकुला शहर में 4 जून से 13 जून तक चले खेलो इंडिया प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद अंजलि आगरा वापस लौट आई है। अंजलि गुरुवार सुबह 8:30 बजे छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से आगरा कैंट उतरी। जैसे ही अंजलि चाहर की पंचकुला से लौटने की खबर कॉलोनी वासियों और गांव के लोगों को लगी, वो कैंट की तरफ दौड़ लिए। आगरा कैंट पर अंजलि को फूल मालाओं से लादा और ढोल नगाड़ों के साथ उसका स्वागत किया। इसके बाद अंजलि एमजी रोड होते हुए राजा मंडी, सेंट जॉन्स, हरी पर्वत होते हुए दिल्ली गेट पहुंची। वहां पहले से इंतजार कर रहे भाजपा के क्षेत्रीय पार्षद संजय रॉय, अतुल जायसवाल, गंगा सिंह राजपूत, ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह आदि लोगों ने बाबू गुलाब राय की मूर्ति के सामने अंजलि और उनके कोच भूपेंद्र शर्मा का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद अंजलि चाहर पश्चिमपुरी स्थित रूपरानी बॉक्सिंग क्लब पहुंची। वहां बॉक्सिंग क्लब के डायरेक्टर डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, अरविंद पांडे, पवन अग्रवाल, सत्यवीर चाहर, सोनम चाहर, ऋतिक पाल सिंह, शेर सिंह राजपूत आदि लोगों ने स्वागत किया। इसके बाद अंजलि अपने निवास तिरुपति धाम अपार्टमेंट पश्चिमपुरी पहुंची। वहां सुबह से ही बेसब्री से इंतजार कर रहे सभी कॉलोनी वासियों ने उसका स्वागत किया और भविष्य में होने वाली राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने का आशीर्वाद दिया। वहां मुख्य रूप से मौजूद रामपाल चौधरी, विजय त्यागी, हरिप्रेम शर्मा, जितेंद्र चौधरी, पार्षद जी, घनश्याम चाहर, नवार साहब, अनूप सक्सेना, राजकुमार गुप्ता, यशपाल यादव, हरिओम जी, संजय तोमर आदि महिलाएं, पुरुष, बच्चे उपस्थित रहे। द नेशन न्यूज के लिए आगरा से रवि सिंघल की रिपोर्ट। आज खेलो इंडिया जो भारतीय सरकार ने खेल प्रतियोगिता आरंभ करी है, उनकी पदक विजेता बॉक्सिंग में पदक विजेता बालिका वर्ग में अंजलि चाहर टूर्नामेंट पूरा होने के बाद आगरा वापस आ रही है। आज उनके स्वागत के लिए हम लोग यहाँ आगरा कैंट पर आए हैं। तो आपको इंडिया में कितना कैसा लग रहा है? ये एक अच्छी पहल है भारत सरकार द्वारा। जो अंतर हुआ करता था पहले खेलों में, ये विद्यालय स्तर से और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, जो कि बच्चों को मार्गदर्शन नहीं मिलता था पहले, उन्हें ये नहीं मालूम था हम कहाँ जाएँ, कैसे तैयारी करें, क्या करें, तो भारत सरकार ने उस एक अंतर को ख़त्म करने का प्रयास करा है। मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा प्रयास है। इससे बच्चों को एक गाइडलाइन मिलेगी, मदद मिलेगी कि हमें कैसे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किससे बात करें, कैसे हम अपनी तैयारी करें। और सबसे अच्छी बात है कि जब भारत सरकार थोड़ा इसमें पैसा इन्वॉल्व करेगी। एक हमारा बच्चा अभी जिस बॉक्सिंग क्लब में, पुरानी बॉक्सिंग क्लब में बॉक्सिंग किक करता है, उसमें से एक हमारी बालिका वर्ग में 63 किलोग्राम भार वर्ग में हुआ खेलो इंडिया में, जो नेशनल खेलो इंडिया में कांस्य पदक विजेता अंजलि चाहर ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। और आज वो लौट रही हैं आगरा, इनके स्वागत के लिए हम सभी लोग तैयार हैं। किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं आप? हम सभी लोग ढोल नगारे के साथ एवं पुष्पों के साथ बच्ची का अभिवादन के लिए तैयार हैं और हम चाहते हैं कि आगे भी इसके उज्ज्वल भविष्य के लिए हम सभी शुभकामना करते हैं। भारत सरकार द्वारा जो खेलो इंडिया का पहल किया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, वो काफ़ी स्वागत योग्य है। इससे देश की प्रतिभाएँ काफ़ी ऊपर जाएंगी और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी अपनी पहचान बनाने में मदद मिलेगी। चार है उसका भी मेडल लगा है, ब्रॉन्ज मेडल, जो कि सही पहले जो फाइट हारी थी वो हरियाणा के साथ थी और वो लूज कर दी, तो अभी ब्रॉन्ज मेडल से संतुष्टि काफ़ी बड़ी। बाकी उत्तर प्रदेश में 2 ही मेडल आए हैं लड़कियों के, और दो बॉयज के हैं, दो बॉयज के। सर किस तरीके से मेडल वगैरह आप बता रहे हैं लेके आई हैं और किस तरीके से स्वागत, किस जगह आप जाना चाह रहे हैं? अभी हरियाणा पंचकुला में टूर्नामेंट चल रहा था खेलो इंडिया, तो अभी स्वागत के लिए हम सारे जो मुख्यमंत्री हैं और सीनियर हैं, कुछ हमारे डॉक्टर्स हैं, बड़े लोग हैं, तो सब स्वागत के लिए, उसके अंजलि के स्वागत के लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं। ट्रेनिंग के लिए कैसा स्वागत किया गया उनका? ट्रेनिंग के लिए सर अभी अच्छा किया है, बाकी की अभी नेक्स्ट टाइम अभी तो आगे अच्छी मेहनत करेगी वो, और कोशिश ये रहेगी कि अभी आज अंजलि ब्रॉन्ज मेडल लाई है, नेक्स्ट टाइम उसका गोल्ड आए, हमारे देश के लिए ऐसी मेडल आते रहेंगे तो लोग, बच्चे, लड़कियां, लोग को मोटिवेट मिलता रहेगा और आगे खिलाड़ियां बढ़ते रहेगा। हमारा इंडिया का मान कितना बड़ा है इसको लेके? अभी तो इंडिया में बहुत अच्छा मेडल आते जा रहे हैं, कॉमनवेल्थ का एक मेडल आए और उससे ओलंपिक का मेडल आए, लंबी जाता आया था, इस
तो मैडम आगरा में आपका इस तरीके से स्वागत किया, उन लोगों का आप शुक्रिया अदा करना चाहोगी? बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहूँगी, मुझे बहुत सरप्राइज मिला मुझे ये सब स्वागत करके। अब इस आगरा के एंट्री आप किस जगह, आपका स्वागत दूसरी जगह है? मेरे क्लब पे किया जाएगा। क्लब किस जगह मैडम? सिकंदरा पे। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए।